दोस्तों अक्सर इस बात पर बहस होती है कि प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म करना या खाना पीना नुकसानदायक है। तो आइए जानिए प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाना कितना नुकसानदायक हो सकता है। क्या प्लास्टिक के कप में चाय पीने से कैंसर हो सकता है? दोस्तों आजकल हर घरों में प्लास्टिक के रंग बिरंगे अलग अलग डिजाइनों के बर्तन काफी देखे जाते हैं, जिसमें खाना लोग फैशन समझते हैं। लेकिन आप इस बात को भी नकार नहीं सकते कि जिन बर्तनों में भोजन करना आप अपनी शान समझ रहे हैं, वो आपके शरीर में कई बीमारियों को आमंत्रित भी कर रहा है। अगर आप प्लास्टिक के बोतल में पानी पीते हैं या फिर प्लास्टिक के टिफिन में खाना गर्म करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है। ज्यादातर गर्भवती स्त्रियों के लिए सबसे खतरनाक साबित हुए हैं ये प्लास्टिक के बर्तन, क्योंकि इनमें ऐसा खतरनाक रसायन पाया जाता है जो आपको कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित कर सकता है। जानकारों का कहना है कि प्लास्टिक में कई नुकसानदेह केमिकल होते हैं जो गर्म होने पर रिसकर पानी और खाने में मिल जाते हैं। पानी और खाने के रास्ते ये खतरनाक केमिकल हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। प्लास्टिक से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। हाल ही में रिसर्च से यह बात सामने आई है कि प्लास्टिक के बोतल और कंटेनर के इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है। हवाई के कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर एडवर्ड फुजीमोटो ने प्लास्टिक और कैंसर पर काफी शोध किया है। उनका कहना है कि प्लास्टिक के बर्तन में खाना गर्म करना और कार में रखे बोतल का पानी कैंसर की वजह हो सकते हैं। फुजीमोटो के मुताबिक कार में रखी प्लास्टिक की बोतल जब धूप या ज्यादा तापमान की वजह से गर्म होती है, तो प्लास्टिक में मौजूद नुकसानदेह केमिकल डाइऑक्सिन का रिसाव शुरू हो जाता है। ये डाइऑक्सिन पानी में घुलकर हमारे शरीर में पहुंचता है। जानकारों का कहना है कि डाइऑक्सिन हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाओं पर बुरा असर डालती है। इस वजह से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। आइए अब जानते हैं प्लास्टिक के बर्तन में खाने के नुकसान। हार्मोन में गड़बड़ी। यदि कोई गर्भवती स्त्री प्लास्टिक से बनी बोतल में पानी पिए या प्लेट में खाना खाए, तो इससे उसे गर्भ में पल रहे बच्चे को खतरा हो सकता है। इससे बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास में बाधा आ सकती है, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तनों में जहरीला रसायन विस्फोनॉल ए पाया जाता है, जो गर्भवती महिलाओं के हार्मोन बढ़ने या घटने में बाधा डालने का काम करता है। दूसरा, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास। बाजार में मिलने वाला डिब्बा बंद खाना हो या प्लास्टिक के बर्तनों में रखा हो, दोनों ही आपके लिए और आपके बच्चे के लिए खतरनाक होते हैं। इसमें निकलने वाले रसायन से गर्भ में पल रहे बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आती है। हालांकि कई जानकार प्लास्टिक से कैंसर होने की बात को गलत ठहराते हैं। उनका कहना है कि अभी तक इस विषय पर आधिकारिक रिसर्च की कमी है, इसलिए कैंसर जैसी बीमारी के लिए प्लास्टिक को दोषी ठहराना गलत होगा। प्लास्टिक की क्वालिटी को लेकर सरकार भी काफी सख्त है। प्लास्टिक के प्रोडक्ट के लिए बकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि कंपनियां लोगों की आंखों में धूल न झोंक सके।